रिश्ता लिखेंगे हम नया। पता नहीं दिया भाई साहब 12:30 बजे क्या अनाउंसमेंट करने वाली है। कोई तो तरीका होगा जिसे हम दिया बाईसा का ताज उनके सर से और उन्हें इस घर से बाहर निकाल दें। सोचना होगा। पापा साहब पानी। पापा हुकुम नाचना मत बंद कीजिए, अगर घुंघरू की आवाज बंद होगी तो अपने हाथों से पानी पीने लायक भी नहीं बचोगे। हद है, कब से भाई साहब ऐसे डांस किए जा रहे हैं, उन्हें कुछ हो गया तो? इंसान है, कोई बंदर थोड़ी है। हम अब इस महल में नहीं रह सकते। मान भाई साहब और दादा हुकुम की बहुत याद आ रही है, अब उनके रहते हम कितना सेफ फील करते थे। रतन मान सिंह इज फ्री, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यश बन्ना, दिया का इतना इनोसेंट चेहरा देखकर किसी को लगेगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी क्रिमिनल हो सकती है। बट यू नो व्हाट, जब मैं लंदन में था ना, आई वाज सो कूल, ऐसे चारों तरफ लड़के ही लड़कियां, फ्री लाइफ होती थी लंदन में। लेकिन जब मैं वहां पे था ना, आप लोगों को हमेशा याद करता था, घर वालों को, काकी मासा, आपको। लेकिन धीरे धीरे अकेले रहने की आदत पड़ गई। मैं दिया पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था यशवंत, सबसे ज्यादा। और उन्होंने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। आपको पता है, मैं और दिया साथ में मिलकर मेरे हमलावर को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसको पता था मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो दिया ही है, मुझे मारना चाहती थी। दिया को बहुत भरोसा था मेरी बहादुरी पे। लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग यश बन्ना, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। लोग मुझ पे हमला क्यों कर रहे थे, मेरी प्रॉपर्टी की वजह से, राइट? अब जब प्रॉपर्टी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? दाता हुकुम, उठिए। यश बन्ना, गो टेल योर बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट केयर। बता दूंगा मैं, उठिए आप, चलिए। आई हेट यू दिया, आई हेट यू। दादा हुकुम हमारे साथ हैं। नॉट दैट आई केयर यश बन्ना, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त वो कहां होंगी? मैं जानता हूं यही सोच रही होंगी कि रतन तो छोटा सा बच्चा है, कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा। उन्हें 100% गाली दी होगी। एक्चुअली आई एम रॉन्ग, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगी? मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे पैसे तो उन्होंने हड़प लिए, मेरे बारे में सोच के क्या करेंगी वो? जाके देखिए महल में, यश बन्ना जश्न हो रहा होगा। ऐसा नहीं है दाता हुकुम, आई एम श्योर दिया भाई साहब हुकुम भी खुश नहीं होंगे, और खासकर घर में जो कुछ भी हुआ है वो भी बहुत परेशान होंगी, खासकर आपको लेकर। क्या कहा आपने, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। परेशान हो रही होंगी। वो क्यों परेशान होंगी, मेरा सब कुछ तो उन्होंने ले लिया, वो तो ऐसी है कि अच्छे अच्छों को टेंशन दे दे। विश्वास कीजिए दाता हुकुम, हमने आपको नहीं लूटा, सब कुछ अब भी आप ही का है, हम बस सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, काल का मां की कसम।
बात है छोटे ठाकर साहब, क्या बात है, आपके स्टैमिना की दाद देनी पड़ेगी। आपको तो डांस क्लासेस शुरू कर देने चाहिए, थक गए होंगे ना। बैठ जाइए भाई साहब। इस घर में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो आदमी हो या औरत, अपनी कीमती चीजें, अपने हीरे जवाहरात इस थाल में रख के हमें सौंपने होंगे। हमारे इजाजत के खिलाफ इस घर का कोई भी सदस्य कोई भी कीमती चीज अपने पास नहीं रख सकता। हीरे जवाहरात खजाने में जमा कर दिए जाएंगे। साक्षी भाई साहब, अपनी ज्वेलरी के साथ साथ हमारी भी ज्वेलरी लौटा ही दीजिए। नहीं नहीं, अब हम अपनी ज्वेलरी क्यों देंगे, आपकी वाली लौटा देते हैं, आप वो ले लीजिए ना, फोन तो ले ही चुकी हैं आप हमारा। हाँ जी दिया भाई साहब। महारानी साहब। जी महारानी साहब, इतनी मुश्किल से इकट्ठी की ज्वेलरी इधर उधर से, ऐसे कैसे दे दें आपको। इसी बहाने मोहक जमाई साह ने साक्षी भाई साहब की तरफदारी तो की, अच्छा लगा, इतना प्यार है, इतना साथ देना चाहते हैं आप एक दूसरे का, तो अब साक्षी बाईसा के हिस्से की सजा भी मोहक जमाईसा को ही मिलेगी। साक्षी, साक्षी प्लीज गहने दे दीजिए, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी, फिर आप गहने पहनने लायक भी नहीं रहेंगी। प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे हमारी ज्वेलरी मांग रही है वो, हम अपनी ज्वेलरी नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना। गार्ड्स। साक्षी देखो वो आ गए। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप भाई साहब, मोहक साहब, मोहक साहब, मोहक साहब, मोहक साहब उठिए, कोई 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 डॉक्टर को बुलाओ, कोई कुछ करो, मोहक साहब, मोहक साहब। हमें मजबूर मत कीजिए, हमें भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता, पर हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ यही होगा। मोहक साहब, दिया भाई साहब, दिया भाई साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुलवा दीजिए, प्लीज उनको कुछ हो गया तो देखिए ना आप, प्लीज। साक्षी बस, अब तो देर हो गई ना, हमने पहले ही कहा था महल के बाहर कोई नहीं जा सकता और महल के अंदर भी कोई नहीं आ सकता, डॉक्टर भी नहीं। उनको कुछ हो गया तो दिया भाई साहब, प्लीज प्लीज दिया भाई साहब। मोहक साहब, मोहक साहब, मोहक साहब, मोहक साहब आंखें खोलिए। ज्यादा जोर से तो नहीं मारी ना? नहीं भाई साहब, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही मारा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। अगले खेल के लिए तैयार है? जी भाई साहब। आप जानते हैं आपको क्या करना है? जी भाई साहब। अरे मोहक जमाई साहब, होश में आइए, उठिए ना मोहक जमाई साहब। कितनी पत्थर दिले दिया भाई साहब, देखिएगा वो कभी खुश नहीं रहेंगी। रे कहां की महारानी सास है, आप तो देखिए ना उठ ही नहीं रहे हैं। कितने जोर से मुक्का मारे से मुंह सूज गया सर। माफ कीजिए हुकुम, हम मजबूर हैं, उन्होंने जैसा कहा हमें वैसा करना पड़ा। अब क्या फायदा, वो किसी डॉक्टर को तो यहाँ पर आने नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास एक इंजेक्शन है, उसे लगाते ही मोहक जमाई साहब होश में आ जाएंगे। तो दीजिए ना, हमें दीजिए जल्दी, हमें तो लगाना नहीं आता। ईशा भाभी साहब, आपको तो आता होगा, कौन लगाएगा, हमें भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, हम कैसे लगा। हमें दीजिए, लीजिए लीजिए, आराम से।
हो गया? तो इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा, जादू से के दवाई से धीरे धीरे असर करे से। क्या प्रिया भाभी सा ने ही सगाई में इंजेक्शन और केमिकल यूज किया था? शुक्रिया। तो ये बात से अब समझ आ रहा से, ये सारा खेल रचकर आप मुजरिम तक पहुंचना चाहती है प्रिया को, और अनिसा हमारा खास मोहरा से। इतने आसानी से उन्हें खो को नहीं सकते आप। मोहक सा, आंखें खोलिए। आंखें हिल रही सर। अब ठीक है प्रिया को, रानीसा मोहक जमाईसा की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यश बन्ना जब छोटे थे तब उन्हें बार बार बुखार आता था, याद है ना आपको? तब आप उन्हें इंजेक्शन लगाती थी। उस वक्त जो आपने सीख लिया था आज काम आ गया। मासा यश को कब लाइए? यश बन्ना को कब बुखार आता था? क्या प्रिया भाभी सा ने वाकई तब सीखा, या छोटी ठकरानी सा ने उन्हें बचाने के लिए कहा? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले हमें पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। ये कैसा गरीबों वाला खाना है? सूखी जली हुई रोटियां, ये उबले हुए आलू, ये पानी वाली दाल, ना तो खाने में घी है और ना ही सैलेड है। हम अपनी फिगर कैसे मेंटेन करेंगे? अच्छा बदला ले रही है वो महारानी सा हमसे, और करेंगे भी क्या? हमने भी तो काल कोठरी में ऐसा गंदा सा खाना दिया था। हम नहीं खाना। दया कर सी कालका माँ, साक्षी भाई साहब अन्नपूर्णा माँ का अपमान कर रही से, उठाइए। नहीं, अपमान तुम्हारा किया से दिया भाई साहब हुकुम ने, बड़ा हमें एक अपमान कर रहे ना होगा तभी बेड़ा पार होगा। साक्षी भाई साहब, हाँ जैसा भी हो, जितना भी हो, हम सबको मिलके हंस के खाना चाहिए। मेरे बच्चों, पहले आप लोग खाना खाओ, खाओ खाओ। अगर निवाला हलक से नीचे को नहीं उतरे ना, तो सोचना कि दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी घी डाल के खा रहे से स्वाद अपने आप आ जाएगा। बैठिए, खाइए, बैठिए। मोहक साहब की तबीयत खराब है ना, आप पहले खाइए। पहले इनको दीजिए भाई साहब। हाँ जी, आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, आप पहले खा लीजिए। अगर तबीयत खराब हो गई तो मारे को रुलाओगे के? सॉरी, हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये सारे सीधे सच्चे लोग हैं, बस इनमें सिर्फ कोई एक है जो मुजरिम है, और उसे सामने लाने का ये हमारा आखिरी मौका है। हम जानते हैं कि प्रिया कुंवर अनिसे के पास और एक फोन से जिसे उन्होंने छिपाया से काकू सर कब से घर पे फोन कर रहे हैं, सबके नंबर आउट ऑफ रीच जा रहे हैं, कमाल की बात है। हेलो दाता हुकुम। काकी मासा आप? दाता हुकुम, आप कटे हैं, हम सब यहाँ बड़ी मुश्किल में से, आप जहाँ भी है जल्दी लौट आइए। कौन सी मुसीबत काकी मासा,
कुछ तो बताइए। दाता हुकुम वक्त कौनी से, हम फोन पे आपको सब कुछ नहीं बता सकते। आप बस जहाँ भी है वापस आ जाइए। और हाँ, दिया भाईसा को मत बताइए हमने फोन किया था। हेलो 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 काकी मसा, दिया भाईसा आज फिर से बाजी पलटने वाली से। क्या हुआ दादा? जशमन्ना हमें अभी के अभी केसर महल जाना होगा, काकी मासा बहुत घबराई हुई थी। चलिए डेफिनेटली महल में कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया? अब के हिप हॉप कराएंगी मारे से इस उम्र में? जब देखी लाइन पे खड़ा कर देने हम सबको। बहुत चालाक समझते हैं ना अपने आप को। वो कौन है जिसने हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत की? कौन है जिसने हमारे कहने के बावजूद सिम कार्ड लौटाया नहीं? वो जो भी है, बेहतर होगा अगर खुद सामने आ जाए। हमें अपने तरीके आजमाने पर मजबूर ना कीजिए। क्या लगा था आप लोगों को हमें पता नहीं चलेगा? याद रखिए, आप सबसे चार कदम आगे हैं हम। ट्रैकिंग डिवाइस पे सिग्नल मिला है, इसका मतलब आप में से किसी ने सिम कार्ड यूज किया है, छिपाया हुआ सिम कार्ड। जो भी है सामने आ जाइए। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सिम कार्ड महल के अंदर यूज किया है, मतलब यही कहीं होगा। गार्ड्स, इन सब की तलाशी लीजिए, सिम कार्ड ढूंढिए, हमें वो सिम कार्ड चाहिए अभी। लीजिए, चेक कीजिए, मेरे मुंह से चेक कीजिए, गला चेक कीजिए, हो सकता है वो सिम कार्ड हमारे गले में अटका हुआ हो। मैडम, ये मोबाइल हमें ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में कमोड के अंदर से मिला है। How dare you? घर वालों की यह हालत कर दी आपने। किसकी परमिशन से ही चेकिंग की जा रही है? केसर महल की महारानी सा, यानी कि हम। हमारे कहने पे इन सब की तलाशी ली जा रही है। रतन मान सिंह, पूरी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। मारे तो कपड़े तक उतरवा दी तलाशी के चक्कर में, इस झाड़े के मौसम में। दादा हुकुम, हमारे ही घर में हमें कैदी बना दिया गया है, और इनकी बात नहीं मानी ना तो हमें इतना पिटवाया, हमें बेहोश कर दिया। काश घर जमाईसा की जगह इस चौकीदार ने मारे मुंह पे मुक्का मारा होता तो हम यही मर जाते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर से। ये सब आपका प्लान था ना? मेरे परिवार वालों को टॉर्चर करना चाहती थी, इसलिए मुझे केसर महल से दूर भेजा। थैंक गॉड। चलिए, इसी बहाने आपको बात पता तो चली
How could you? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे परिवार वालों के साथ ऐसे पेश आने की? Get out. Get out. मैं आपको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.